This is Democracy's Day, a day of history and hope. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद आप खैरियत से होंगे आपको बताते चले एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो और आपको ये बताएं कि बाइडेन के सदर बनने से अमेरिका की 230 सौ तारीख में क्या क्या चीज़ें पहली बार हुई हैं ये मालूम तो हम आपको देंगे कुछ देर में इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको वह तमाम न्यूज़ वीडियोज़ जो आप देखना सुनना और जानना चाहते हैं वो आपको मिल सकें बर वक्त ये होगा इसी सूरत में कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो ये चीजें ये वीडियो, ये वीडियोस न्यूज़ आपको मिल सकेंगी तो आपको बताते चलें कि चलेंदर जो अमेरिका के नए सदर हुए हैं अमेरिका की तारीख 230 सौ तीस साल तारीख में पहली बार क्या क्या हुआ है इनके सदर बनने तक सदर जोजफ आर बाइडन के मनसब सदार संभालने के दिन अमेरिका की 230 सौ तीस बरस की तारीख में बहुत से वाकत पहली मरतबा पेश आए हैं जिसमें उम्मीद अफजा हैरान कन और तश्वीशनाक सभी पहलू शामिल हैं आपको बता दें कि मम्म तरीन से मम्मर तरीन सदर यानी अठहत्तर बरस की उम्र में इंतबात में कामयाब होने वाले 20 जनवरी को अपने अहदे का हल्फ उठाने वाले सदर जो बाइडन अमेरिका की सदारती तारीख में पहली मरतबा मुंतब होने वाले मम्म तरीन सदर बन गए हैं यानी सबसे बूढ़े सदर दिलचस्प बात यह है कि इनके पेशरो सदर यानी सदर ट्रंप जो अभी रुख्सत हुए हैं आ, आ, सदर ट्रंप ही अपने इंतबात के अपने इंतब के वक्त अमेरिका की तारीख के मम्म तरीन सदर थे यानी मम्मर तरीन सदर के बाद दूसरा मम्मर तीन सदर अमेरिका का बन गया है और यह भी अमेरिका की दो सौ तीस साल तारीख में पहली मरतबा हुआ है इसी तरह अमेरिका की दो सौ इकतीस साल तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कोई खातून और गैर सफ़ेद फार्म खातून नायब सदारत के पर फायज़ हुई हैं कमेला हैरस की हल्फबर्दारी के बाद ये एजाज़ हासिल हुआ है और इसे अमरीका में सिया फॉर्म ने वतन खुतिन के लिए उम्मीद अफजा अलामत करार दिया जाता है इसी तरह आपको बता दें कि सदारती मनसब के साथ कई रवायात भी जुड़ी हैं लेकिन अमेरिका की अमेरिका की सदारती तारीख में सबक सदर ट्रंप अनोखी रवश इख्तियार की और कई सबक रवायात का पास नहीं रखा सदर ट्रंप ने सदारती रवायात के मुताबिक सदर जोजफ बाइडन का वाइट हाउस में इस्तबाल नहीं किया और ना ही इनकी तकरीब हलफबरदारी में शर्क हुए सदर ट्रंप अपने अलविदा खताब में भी इंतबी नतज को तस्लीम नहीं किया और अमरीकी मुबसरन सदर ट्रंप के इसी इकदाम को अमरीकी जमहूरी इक्दार की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी क़रार दे रहे हैं आपको बताते चलें कि हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हो सकता यह है सदर जोसेफ बाइडेन की نصف सदी पर मोहित सियासी करियर में कई उतार-चढ़ाव उतार-चढ़ाव आए उन्होंने सदरती नामजदगी के लिए 1988 और 2008 में कोशिश की और बिलाकर 2020 में यह मनसब हासिल कर लिया इस दौरान इन्हें सियासी मुश्किलात के साथ-साथ एक ऐसे मसले का भी सामना करना पड़ा जिसकी वजह से अक्सर अफराद ख़ुद अतमादी पैदा नहीं हो पाती जोजफ़ बाइडन को बचपन से हक लाने और अटक अटक कर बोलने का मसला दरपेश रहा उन्होंने न सिर्फ इस जिसमानी कमी के साथ अपना कैरियर बरकरार रखा और दुनिया के सबसे ताकर ताकतवर तरीन तसवर होने वाले अमरीकी मनसूब सदारत पर भी फायज़ हो गए सदारती इंतबात से जुड़ी दीगर रवायात के साथ अमरीका में नए सदर की हल्फबर्दारी का दिन भी त्यौहार की तरह मनाया जाता है ये तकरीब मुंतखब होने वाले सदर की अवामी मकबूलियत और सियासी फिक्र की अलामत तस्वर की जाती है सदर ट्रंप की हल्फबर्दारी में आवाम की नस्बता कम शिरकत की खबरों पर मीडिया में बहुत हंगामा भी रहा था ताहम कोरोना वायरस के बायस अमरीकी तारीख़ में पहली बार इसका दर महदूद पैमाने पर हफ्फ बरदारी की तकरीब का अहतमाम किया गया और तकरीब में अवमी शिरकत की अलामत के तौर पर पिंडाल में एक लाख अमरीकी परचम लगाए गए थे जहाँ इससे पहले अमरीकी आवाम बैठे होते थे उनकी जगह पिंडाल में अमरीकी परचम लगाए गए थे वो भी एक लाख की तादाद में आपको मजीद बताते चलें कि अमेरिका की तारीख में पहली बार इस कदर पेश सूरत हाल में इकतदार की मुंतकली हुई है कि सदर ट्रंप इतनी तस्लीम कर... करने से इनकार करते रहे और इतहा यह हुई कि सदारती इंतबाब की तोसी के दिन भी इनके हामी अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर चढ़ दौड़े और इन हालात के पस मंजर में जोजफ बाइडन की तकरीब हलफबरदारी गैरमूली इकदाम करना पड़े और बीस हज़ार से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकार दारकूमत में तैनात करना पड़े माजी में भी इस तकरीब की सिक्योरिटी के लिए तमाम किया जाता था और लेकिन पहली मरतबा बर्दारी को महफूज बनाने के लिए लगाई गई सिक्योरिटी से ज़ाहिर हुआ कि अमेरिका के दाखिली खतरा किस हद तक पहुंच चुके हैं सदर जोसेफ बाइडन ने हल्फ उठाने के बाद हसब रवायत आने वाले चैलेंजेस का जिक्र किया इस बार ज़ाहिर है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर कोरोना से होने वाली अमवात और वबा की बढ़ती हुई तबाह ही इनका सबसे बड़ा चैलेंज तस्वर की जा रही हैं ताहम सदर बाइडन ने इसके साथ साथ सफ़ेद फार्म नसल प्रस्ती को भी अपनी इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज करार दिया है और हालिया तारीख़ में वो पहले अमरीकी सदर हैं जिन्होंने सफ़ेद फॉम नस्ली तफ़ाखर को बाकायदा अमरीका के दाखिल ख़तरे के तौर पर बाकायदा एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया है और इसे चैलेंज करार दिया है तो ये वो अहम वाक़ थे जो सदर जो बाइडन के अमरीकी सदर मंतखों ने और हल्फ पदारी की तकरीब के दौरान अमरीका की दो सौ तीस साल तारीख में पहली बार जजे काम हुए जो जिसकी तफसील हमने हमने आपको बताई अगर आपको हमारी ये वीडियो और मालूमत अच्छी लगी हो दोस्तों से शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें बहुत बहुत शुक्रिया